ये जरूरी नहीं है कि हम जिसके बारे में जो सोचें वो वैसा ही हो, लेकिन मन का क्या, वो तो किसी से बिना मिले भी बिना बात किए भी एक माइंडसेट बना लेता है। अब आप फवाद खान को ही देखिए, इन्होंने आलिया भट्ट के बारे में जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद फवाद खान का कहना है। कपूर एंड सन्स की को स्टार आलिया भट्ट के बारे में उनका कहना है कि जैसा सोचा था वो वैसी नहीं है। ज्यादा चौंकाने या हैरान होने की जरूरत नहीं है, फवाद खान आलिया के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे थे। चलिए हम खुलासा ही कर देते हैं कि आखिर फवाद खान ने आलिया के लिए ऐसा कहा क्यों। दरअसल फवाद को आलिया को लेकर ये उम्मीद नहीं थी कि वो फिल्म के सेट पर पहले दिन भी बेहद कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस से भरी होंगी। जी हाँ, जब फवाद खान उनसे पहले दिन शूटिंग पर मिले तो आलिया बेहद कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस से भरी हुई नजर आ रही थी और यही बात फवाद को बेहद अच्छी लगी, जबकि वो इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शूटिंग का पहला दिन है तो आलिया नॉर्मल होंगी, लेकिन यहाँ तो आलिया अलग ही रूप में नजर आ रही थी, या यूं कहें कि कॉन्फिडेंस से लबरेज नजर आ रही थी। जिंदगी गुलजार है कि एक्टर ने फिल्म फेयर मैगजीन कवर के लॉन्च के मौके पर आलिया के बारे में कहा, जब उन्होंने आलिया को पहले दिन फिल्म के सेट पर देखा तो वो काफी सहज और आत्मविश्वास से भरी दिखी, जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि उन्होंने शूटिंग के रिहर्सल तक नहीं की थी। फर्स्ट डे वी शॉट, शी जस्ट केम ऑन सो स्ट्रांग, आई वाज लाइक वाओ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई थॉट मे बी वी शुड सिट डाउन रिहर्स दिस फर्स्ट, बट शी इज सो इम्प्रोवाइजेशनल, शी जस्ट इमीडिएटली कम्स अप विद स्टफ एंड देन आई हैड लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ बाउंस ऑफ ऑफ दैट। फवाद ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक आलिया की सिर्फ एक ही फिल्म देखी है जिससे वो काफी इंप्रेस हुए और वो फिल्म है हाईवे। हाईवे में आलिया ने जबरदस्त एक्टिंग की है। आलियाज आई हैव सीन हाईवे, आई हैव सीन दैट मूवी, या आई हैव सीन हाईवे एंड आई थिंक शी इज गिवन अ ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस इन दैट फिल्म। दैट्स द लास्ट वन आई कैन रिमेंबर, आई मे हैव सीन समथिंग एल्स, आई हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ हमदीप शर्मा बट माय वाइफ सॉ all of it, I did not get to see all of it, she saw most of it, but Highway is a movie that I saw completely from start to end and I think her work speaks for herself, her work speaks for herself as an actor. I think she's, इन्होंने तो मेरी खामखामे तारीफ करती है but I genuinely mean that about her, that she is a phenomenal actor. I will repeat myself again. खैर, आलिया के लिए फवाद के ये तारीफ के बोल इसलिए फूटे हैं क्योंकि फिल्म कपूर एंड सन्स में फवाद और आलिया साथ काम कर रहे हैं और इन दोनों के बीच कई रोमांटिक सीन्स भी फिल्माए गए हैं। ये फिल्म 18 मार्च को रिलीज होने जा रही है, ऐसे में तो एक दूसरे की पब्लिसिटी करने की जरूरत तो पड़ती ही है।